नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे भाइयों ड्यूस फार एग्रो लक्स 45 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का। बहुत कम वीडियो आप लोगों ने रिव्यू वीडियो इसकी यूट्यूब के ऊपर देखी होंगी, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए खास क्यों है, इसका कम्प्लीट रिव्यू करेंगे विद प्राइस के साथ कि किस प्राइस के अंदर आप इस ट्रैक्टर को ऑन रोड खरीद सकते हो। तो सारा कुछ आज की वीडियो में ही होगा भाइयों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ भी अगर आप स्किप करोगे या मिस करोगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर फीचर इतने सारे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, उनके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए भाइयों, बिना देरी किए करेंगे वीडियो की शुरुआत। भाइयों शुरुआत इसकी डिज़ाइन वाइज करेंगे, तो डिज़ाइन आप इसका देखो कितना बेहतरीन इसका डिज़ाइन बनाया, बिल्कुल अलग ही तरीके का इसको लुक दिया गया है। कंप्लीट जो इसका डिज़ाइन है, जो बोनेट है, पूरी तरीके से एरोडायनेमिक उसको बनाया गया है। ये आप चेक करो, फ्रंट से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से भी आप देखो, बिल्कुल एक मैं अगर कहूँ ना मेंढक की तरह लगता है भाइयों फ्रंट से दिखने में ट्रैक्टर ये, क्योंकि बीच में एक भारीपन और आगे बिल्कुल शार्प और पीछे बिल्कुल शार्प, तो ये चीज़ है इसके बोनेट के डिज़ाइन में। बाकी यहाँ पर आप देखोगे ना, ये जाली लगाई गई है जिससे कि इसका कूलिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करे, प्लस लुक को भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव बनाया जा सके। यहाँ से पूरी कंप्लीट जाली की शेप है जो कि इस तरफ तक आती है, आप देखोगे। बाकी यहाँ पर आप देखोगे ना फ्रंट में इसके अंदर, तो यहाँ पर जो ड्यूस फार का लोगो है अपना, वो आपको मिलेगा। नीचे की तरफ आप देखोगे तो हेलोजन टाइप की इसके अंदर चौकोर स्टाइल के साथ में आने वाली जो हेडलाइट है ना भाइयों, ये आपको मिल जाती है। प्लस इसके अंदर नंबर प्लेट लगाने के लिए यहाँ पर जगह है। ये इसके बोनेट को यहाँ से आप ओपन करोगे, मैं आगे ओपन करूंगा। यहाँ पर आप देखो जो इसका बंपर है, इसकी आप फिटमेंट देखो, कंप्लीट कंपनी ने इसकी यहाँ पर फिटमेंट दी है। और ये जो फ्रंट इसका मैं अगर कहूँ, काफी हैवी ड्यूटी इसको बनाया गया है, प्लस फिटमेंट बहुत जबरदस्त दी गई है। बंपर के लिए आपको बिल्कुल अलग ही फिटमेंट इसके अंदर दी गई है। अब मैं भाइयों इसके बोनेट को जो है ओपन कर लेता हूँ आगे की तरफ से, इसको यहाँ से इस तरीके से ओपन करते हैं। ये यहाँ देखो डुअल, यहाँ पर इसके अंदर जो गैस स्टड है ना, ये लगाई गई है जिससे कि इसका जो बोनेट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। प्लस इसके अंदर खास चीज़ आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पर ये इसकी हीट की प्रोटेक्शन के लिए हीट गार्ड कहीं ना कहीं ये लगाया गया है, जिसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, इससे जो हीट है वो उससे इसका पेंट खराब नहीं होता, जो बोनेट का पेंट है वो खराब नहीं होता, तो उसके लिए यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटेक्शन गार्ड मैं इसको कहूँगा, ये यहाँ पर दिया गया है कंपनी के द्वारा। प्लस यहाँ पर आगे की तरफ आप देखोगे ना, इसके अंदर जो बैटरी है इसकी वो बिल्कुल फ्रंट में ही दी गई है, एमेरोन की बैटरी है इसके अंदर, और जो वेट का काम भी ये करती है, प्लस प्लस ये इसका आगे बिल्कुल सेफ भी रहती है, कहीं ना कहीं लुक भी खराब नहीं होता, बैटरी आगे ही आ जाती है इसके अंदर। और ये यहाँ पर अगर आप इसका एयर क्लीनर देखोगे ना, ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का चोकिंग सेंसर के साथ में आने वाला जो एयर क्लीनर है वो इसके अंदर मिल जाता है। प्लस आप देखोगे जो रेडिएटर है वो इसके अंदर एल्यूमिनियम का आपको देखने को मिल जाता है। मैं अगर चलूँ पीछे की तरफ, तो बात मैं अगर करूंगा ना भाइयों इसके अंदर इंजन की, इसके अंदर तो भाइयों जो इंजन है ना वो 45 हॉर्स पावर का 3 सिलेंडर का इंजन इसके अंदर लगाया गया है, और इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन पंप ये दिया गया है, FIV पंप है इसके अंदर, ना तो ये इनलाइन पंप है ना ही ये रोटरी पंप है, ये इसका खुद का डिजाइन किया हुआ पंप है, जिसके लिए हर एक पिस्टन के लिए अलग अलग टैंडम सिलेंडर यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि जो मेंटेनेंस है वो कम से कम हो, जिसके अंदर मेंटेनेंस की जरूरत है केवल उसी को आपको खुलवाना है और मेंटेनेंस आप करा सकते हो, पूरा पंप नहीं खुलता इसके अंदर, तो ये खास चीज इसके पंप के अंदर दी गई है। इसके अंदर जो इंजन है ना, ये 3000 cc का इंजन इसके अंदर लगाया गया है, और 2200 इंजन रेटेड RPM वाला इसके अंदर ये इंजन लगाया गया है, जो कि ड्यूस फार का खुद का डिजाइन किया हुआ पेटेंट इंजन है भाइयों। ये इस तरीके का इंजन आपको दुनिया के किसी भी ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलेगा, और ये इसके अंदर 35 एम्पियर का अल्टरनेटर आपको मिल जाता है, जो की प्री कोल का ये अल्टरनेटर इसके अंदर लगाया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो डुअल इसके अंदर डीजल फिल्टर आपको मिल जाते हैं, ये इसके अंदर इंजन ऑयल फिल्टर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो कूलेंट के लिए अलग से कंटेनर मिलेगा, प्लस इसके अंदर जो रेडिएटर का फैन है ना, ये भी इसके अंदर एल्यूमिनियम का दिया गया है, जबकि आपको किसी भी ट्रैक्टर के अंदर ये एल्यूमिनियम का फैन नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे एल्यूमिनियम के फैन का फायदा क्या है, एल्यूमिनियम के फैन का फायदा ये है कि इसकी जो कूलिंग है वो बहुत ज्यादा होती है प्लास्टिक वाले फैन की तुलना में, क्योंकि हीटिंग के बाद वो कूलिंग बंद कर देता है या खत्म कर देता है या कम कर देता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता। ट्रैक्टर कितना भी आपका हीट हो जाए, ये कूलिंग प्रॉपर तरीके से करता है, जिससे कि आपका ट्रैक्टर बिल्कुल भी टेम्परेचर या मैं कहूँ ओवर टेम्परेचर नहीं लेता। जब ये चल रहा था, इसकी एयर जो सर्कुलेशन है वो भी इतना ज्यादा है कि इंजन के ऊपर आप देखो, इसके ऊपर धूल तक नहीं जमी, बाकी सारे ट्रैक्टर के ऊपर आपको धूल दिख रही होगी क्योंकि सूखा खेत था ये आप देख लो, लेकिन यहाँ इसने धूल तक नहीं आने दी, तो इतनी ज्यादा जो कूलिंग है ये फैन करता है। ये आप देखो जो इसके अंदर फ्रंट एक्सल है, ये भी इसका खुद का डिजाइन किया हुआ है SDF का, ड्यूस फार का, और इसके अंदर जो फ्रंट एक्सल है ये जैसे कि फोर व्हील ड्राइव है, तो ये जो फ्रंट एक्सल है ये भी प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में आपको मिलता है, फ्रंट एक्सल भी इसके अंदर और रियर एक्सल भी। और ये आप इसका जो सिस्टम है ये आप चेक करो, बिल्कुल अलग ही तरीके से डिजाइन किया गया है। इसी तरीके का जो फोर व्हील ड्राइव का मैकेनिज्म है या फ्रंट एक्सल है, ये भी आपको दुनिया के किसी भी ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। प्लस पावर स्टेयरिंग भी आप इसके अंदर देखो, वो भी अलग
ही तरीके से दिया गया है। सिंगल सिलेंडर यहाँ है और सिंगल ही सिलेंडर ये आपको दिख रहा होगा, तो दोनों तरफ सिंगल सिंगल सिलेंडर है, प्लस इसके लिए ये बैलेंसर रोड आगे दी हुई है। तो स्टेयरिंग के अंदर कोई किसी तरीके की आपको चाल वगैरह बिल्कुल महसूस नहीं होगी, और स्टेयरिंग का जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत जबरदस्त है, जैसे कि मैंने चलाया था पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, और अब मैं आपको स्टार्ट करके भी आगे वीडियो में दिखाऊंगा इसका टर्निंग रेडियस, आवाज भी आपको इसकी सुनवाऊंगा। और यहाँ पर एक और चीज आप इसकी देखो जो इसे खास बना देती है, जो फोर व्हील ड्राइव की रोड है ये आप चेक करो, जो आपको फोर व्हील ड्राइव की रोड है वो इसके अंदर दिखेगी ही नहीं, आपको लगेगा कि फोर व्हील ड्राइव की रोड कहाँ है इसके अंदर। तो फिटिंग इतनी जबरदस्त है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अलग से इसके अंदर फोर व्हील ड्राइव दिया गया है, ऐसा लगेगा कि कंपनी द्वारा ही पूरा एक डिजाइन बनाकर उसको उस तरीके से डिजाइन किया गया है। ये आप देखो इसकी फोर व्हील ड्राइव की रोड, इंजन के अंदर गेयरबॉक्स के अंदर उतनी ही कटिंग दी गई है जिससे कि फोर व्हील ड्राइव रोड जो है इसकी उसको आगे तक ले जाया जा सके। प्लस इसके अंदर खासियत एक और है जो है इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक, ये डिफरेंशियल लॉक की रोड आपको दिख रही है जाती हुई, ये पीछे कनेक्ट है यहाँ से, जो कि इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक है वो आपको चारों टायर के अंदर मिल जाता है, ये भी दुनिया में फर्स्ट ट्रैक्टर में इसको कहूंगा जिसके अंदर चारों टायरों के अंदर आपको डिफरेंशियल लॉक मिलता है, बाकी किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर के अंदर आपको चारों टायर के अंदर डिफरेंशियल लॉक जो है वो नहीं मिलता। तो आपको डिफरेंशियल लॉक भी इसके अंदर, ये रहा पैडल यहाँ पर, इसके अंदर चारों टायर के अंदर मिलता है, बाकी आपको किसी भी ट्रैक्टर के अंदर चारों टायर के अंदर जो डिफरेंशियल लॉक है वो देखने को नहीं मिलता। प्लस इसके अंदर आपको मैं ब्रेक के बारे में बता देता हूँ, ब्रेक भी इसके अंदर पावर आते हैं, ये आपको यहाँ पर टैंडम सिलेंडर दिख रहा होगा और ये यहाँ से पाइप जाते हुए दिख रहे होंगे जो कि पावर ब्रेक के लिए हैं। तो इसके अंदर शुरुआत से ही दोस्तों जो ब्रेक हैं वो पावर आते हैं, मैकेनिकल की कोई झंझट ही नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सेल्फ एडजस्टिंग जो ब्रेक हैं ये होते हैं। और ये जो इसके अंदर सिलेंडर है ये भी बोस का ही लगाया गया है, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये भी इसके अंदर एक खास चीज है। प्लस इसके अंदर ये यहाँ पर आप देखोगे तो फाइबर का जो टूल बॉक्स है दिया गया है, जिसके अंदर आप छोटा मोटा सामान वगैरह अपना काफी इजीली जो कैरी है वो कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसके जो टायर साइज है वो दिखा देता हूँ, आगे के टायर इसके अंदर ये BKT के आपको देखने को मिल रहे हैं और 9/5/20 के इसके अंदर फ्रंट टायर आपको मिल रहे हैं, जबकि इस श्रेणी के किसी भी ट्रैक्टर के अंदर आपको फ्रंट टायर 9/5/20 के नहीं मिलते, केवल आपको 8/18 के टायर मिलते हैं। ये आप देखो जो टायर का साइज है वो भी बड़ा है और चौड़ाई भी इसकी ज्यादा है जिससे कि ग्रिप ज्यादा बनती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट इसको जो है वो बना देता है। बैक टायर की बात करूंगा तो बैक टायर इसके अंदर 13/6/28 के हैं, जो कि आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, 13/6/28 के ही बैक टायर मिलेंगे फोर व्हील ड्राइव के अंदर। अगर आप इसके अंदर टू व्हील लेते हो तो उसके अंदर आपको 14/28 का भी बैक टायर के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा, और इसके अंदर जो बैक टायर है ये आपको MRF के देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूंगा इसके अब प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म इसका इसी तरीके का आता है, बीच में हल्का सा आपको बंप मिलता है, बाकी कोई भी लीवर आपको बीच में देखने को नहीं मिलेगा। ये इसका जो पार्किंग ब्रेक है ये आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि बिल्कुल कारों की तरह ही ये दिया गया है। क्लच की बात मैं अगर कर लूँ तो इसके अंदर आपको डबल क्लच का ऑप्शन मिलता है, PTO के लिए इंडिपेंडेंट PTO क्लच आपको अलग से देखने को मिल जाता है, और पैडल भी इसके अंदर सस्पेंडेड टाइप दिए गए हैं जो कि काफी स्मूथ होते हैं ऑपरेट करने में। ये यहाँ पर आप एक बार इसका जो PTO का क्लच है ये आप चेक कर लो, इंडिपेंडेंट PTO क्लच अलग से ये दे रखा है, जिसका बेनिफिट होता है कि आपको जब आपको PTO बंद करनी है तो आप इस क्लच के थ्रू उसको बंद कर सकते हो, तो काफी चीजों में इसका बेनिफिट आपको मिलता है। प्लस इसके अंदर जो PTO है वो आपको डबल मिल जाती है, 720 आप ले सकते हो प्लस 540 प्लस इसके अंदर 540 और रिवर्स PTO का ऑप्शन भी आप ले सकते हो, तो ये डबल PTO के साथ में आता है दोस्तों। तो इसकी जो सीट है ये भी आपको एडजस्टेबल मिलेगी, और प्लेटफॉर्म इसका आप देखो पूरा इसको ऊपर से कवर किया गया है, कोई भी आपको नीचे की तरफ जो पीछे बैठते हैं इसके मडगार्ड के ऊपर बंदे उनको बैठने में दिक्कत ना हो, कोई लीवर उनके पैरों में ना चुभे, तो उस तरीके से इसके प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है। बाकी इसके अगर मैं गियरबॉक्स की बात करूंगा तो इसके अंदर आपको केवल हाई लो का गियरबॉक्स मिलता है, मीडियम का ऑप्शन नहीं मिलता, और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है कॉन्स्टेंट मैस गियरबॉक्स का, सिंक्रोमैस गियरबॉक्स का, हेलिकल गियरबॉक्स का, तो इतने सारे ऑप्शन आपको इसके गियरबॉक्स में भी मिल जाते हैं। गियरबॉक्स साइड शिफ्ट ही आता है, जो कि प्रॉपर या मैं कहूँ परमानेंट साइड शिफ्ट इसके अंदर शुरुआत से ही आता है, जो कि पेटेंट है इसका। ये यहाँ पर आप देखोगे तो मेन गियर लीवर के ऊपर आपको चार गियर मिलेंगे प्लस एक रिवर्स, तो ये इसके अंदर गियर आपको मिल जाते हैं। बाकी इसका जो प्लेटफॉर्म है ये आप चेक कर रहे हो, काफी ज्यादा जो प्लेटफॉर्म है मैं कहूंगा उतना स्पेस तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन सफिशियंट है, अगर आप ऑपरेट इसको कर रहे हो तो सफिशियंट है, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको जगह कम दी गई है। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा स्पेस कंपनी और ज्यादा कर देती तो और ज्यादा सहूलियत हो जाती, लेकिन सफिशियंट है मैं इसको कहूंगा बिल्कुल। बाकी मैं इसके ऊपर अगर बैठूं ये इस तरीके का लुक आता है,
बिल्कुल एक कछुए जैसा लुक लगेगा आपको ऊपर बैठ के, ऐसा नहीं लगेगा कि इतनी लंबाई है इसकी, क्योंकि बोनेट के अंदर झुकाव जो है वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ये आप चेक करो जो इसका स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग भी इसका बिल्कुल अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया, काफ़ी छोटे साइज का स्टेयरिंग है, और स्टेयरिंग का जो ये जो चीज़ है ये ऊपर की तरफ को आती है, तो स्टेयरिंग काफ़ी उभरा हुआ है इसके अंदर, जिससे कि ड्राइवर को चलाने में दिक्कत ना हो, उसके घुटनों में या पैरों में ना अड़े, जैसे कि मेरी 6 फीट की हाइट है तो घुटनों में भी ये अड़ने की दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी, तो ये बेनिफिट मिलता है। बाकी ड्यूस्पार की जो ब्रांडिंग है वो इसके स्टेयरिंग के भीतर भी दे रखी है, अंदर की तरफ भी मिल जाती है। और ये यहाँ पर आप देखोगे की लगाने के लिए है, ये इसके लाइट वगैरह के स्विच, ये हॉर्न का, और ये ट्रैक्टर को बंद करने के लिए लीवर जो है वो यहाँ पर दे रखा है, और ये इसकी जो हैंड वाला एक्सीलेटर है वो आपको मिल जाता है। क्लच के बारे में मैंने आपको बता दिया, ब्रेक के बारे में मैंने बता दिया, पावर ब्रेक आपको मिलते हैं जो कि ऑयल इमर्ज्ड मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक इसके अंदर मिलते हैं। ब्रेक काफी जबरदस्त हैं इसके, मैंने 14-15 साल पुराने ट्रैक्टर देखे हैं जिनके अंदर आज तक ब्रेक के अंदर कोई काम नहीं हुआ, तो ब्रेक इतने जबरदस्त हैं इसके, और ब्रेक भी काफी स्मूथ हैं, जैसे कि पावर ब्रेक है, हल्का सा आप प्रेस करोगे ट्रैक्टर आपको वहीं टर्न हो जाएगा। ये पैर वाला एक्सीलेटर आपको मिल जाता है, और ये जैसा मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल लॉक भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। ये इसके अंदर जो हाइड्रोलिक कंट्रोल है वो मिल जाएंगे, एक डीसी लीवर है और एक इसके अंदर पीसी लीवर है, प्लस इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है उसके लिए भी लीवर अलग से आपको मिल जाता है। ये तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी एक बार मैं इसकी जो चाबी है इसको ऑन कर लेता हूँ, तो ये आप डैशबोर्ड चेक करो, एनालॉग आरपीएम मीटर है, एनालॉग फ्यूल का मीटर है, टेम्परेचर का मीटर भी एनालॉग है, प्लस जो आवर मीटर है ये आपको इसके अंदर डिजिटल मिल जाता है, जैसे कि 508 घंटे ये ट्रैक्टर चल चुका है। और ये इसके अंदर तमाम तरीके की जो ब्लिंकेशन के लिए लाइट हैं ये आपको मिल जाती हैं, जैसे कि पीटीओ के लिए या टेम्परेचर के लिए, बैटरी के लिए, प्लस इसके अंदर लाइट वगैरह के लिए, इंडिकेटर के लिए, ये तमाम तरीके की जो ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स हैं ये यहाँ पर मिल जाती हैं। तो डैशबोर्ड भी अलग तरीके से बिल्कुल इसका जो डिज़ाइन है वो किया गया है दोस्तों। और इसके अंदर जो डीजल टैंक है ये किलोक के साथ में मिलता है, जो कि अराउंड आपको 50 लीटर के अराउंड का डीजल टैंक इसके अंदर मिलता है। ये इसके अंदर मिरर है जो कि पीछे सारे व्हीकल को इंडिकेट करने का दोस्तों ये काम करता है। अब मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ, प्लस इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। उसके लिए मैं पहले इसको न्यूट्रल कर लेता हूँ, क्योंकि बिना न्यूट्रल के स्टार्ट होगा नहीं ये। कि आप स्टार्टिंग भी इसकी चेक करो, स्टार्टिंग भी भाइयों काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसकी, आवाज़ आप एक बार सुन लो, जैसे कि छोटा साइलेंसर लगा रखा है तो आवाज़ में थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मैं कहूँगा एक मीडियम सी ही आवाज़ है, और काफ़ी साफ और काफ़ी क्लियर है ये। आप साइलेंसर के बारे में मैंने जैसा आपको बता दिया था, किसान भाई ने अपने हिसाब से डिज़ाइन करा रखा है, इसके अंदर लंबा ही साइलेंसर आता है जैसे बाकी ट्रैक्टरों में आता है। और अब आप इसका जो टर्निंग रेडियस है ना वो चेक करो, फोर व्हील ड्राइव होने के बाद इतना टर्निंग रेडियस अपने आप में काफ़ी बड़ी बात रखती है, वो बना देती है इस ट्रैक्टर को, क्योंकि फोर व्हील ड्राइव के अंदर इतना टर्निंग रेडियस आपको किसी भी ट्रैक्टर के अंदर देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ मेरी खुद की परखी हुई है, और मैंने आपको हर वीडियो में टर्निंग रेडियस दिखाया है, तो आपको भी अंदाज़ा इसका लग जाएगा, ये आप चेक करो। और स्टेयरिंग भी जैसा मैं ऑपरेट कर रहा हूँ आप देखो कितना स्मूथ है, एक कार के स्टेयरिंग से भी ज़्यादा स्मूथ मैं इसका अगर इसको कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। ये आप चेक करो बिल्कुल टायर जो है ना वो इस तरीके से हो गया, इतना ज़्यादा टर्निंग रेडियस इसका दे रखा है, क्योंकि डिज़ाइन इसको इस तरीके से किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्निंग रेडियस जो है वो किसान को इसके अंदर मिल सके। ये आप चेक करो, और जैसा कि दोनों तरफ पंप है इसके अंदर सिंगल सिंगल, इधर भी है और इधर भी है, तो स्टेयरिंग को टर्न करना या स्टेयरिंग को ऑपरेट करना वो काफ़ी इजी हो जाता है और काफ़ी स्मूथ हो जाता है इसकी वजह से। ये आप चेक करो बिल्कुल, मैं अगर इसको उंगली से भी ऑपरेट करूँ ना, ये आप देखो मैं इसको एक उंगली से भी ऑपरेट कर पा रहा हूँ। और एक और फीचर इसके अंदर खास है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रैक्टर को स्टार्ट अगर आप कर लोगे और लीवर आपको ऊपर उठा लोगे तो हाइड्रोलिक आपकी नीचे नहीं जाएगी जब तक आप ट्रैक्टर को दोबारा स्टार्ट नहीं करोगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसके हाइड्रोलिक को ऊपर उठाऊँगा, ये जो हाइड्रोलिक है ये ऊपर उठ चुकी है। अब मैं ट्रैक्टर को करूँगा बंद, ये आप चेक करो, और अब मैं इसके लीवर को नीचे गिरूँगा, ये आप चेक करो, दोनों लीवर नीचे हैं, कोई मैंने लॉक नहीं लगाया, लिफ्ट ऊपर है बिल्कुल, लिफ्ट जब तक नीचे नहीं जाएगी चाहे आपका ट्रैक्टर एक साल भी खड़ा रहे ऐसे ही लिफ्ट इसके ऊपर रहेगी जब तक आप ट्रैक्टर को स्टार्ट नहीं करोगे। तो ये फीचर भी इसको सबसे अलग बना देता है मार्केट के अंदर, ऐसा फीचर आपको किसी ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार, ये आप देखो ट्रैक्टर मैंने स्टार्ट किया, कोई लीवर नहीं छेड़ा था और लिफ्ट अपने आप इसकी नीचे चली गई। तो ये एक फीचर है इसके अंदर खास जो इसको सबसे अलग बना देता है
बाकी फीचर तो सारे ही इसके अंदर खास हैं। जो सबसे अलग दिए गए हैं ये आप देखो, लिफ्ट अपने आप इसके नीचे चलेगी जैसे मैंने स्टार्ट किया। अब बाद में करूँ इसके पिछले हिस्से की, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखो इसके अंदर ये चीज़ मेंशन भी कर रखी है, पी साइक्लिक ड्राइव, जिसको कि प्लानिटरी ड्राइव भी बोला जाता है। और ये इसके अंदर ड्यूस फायर का जो ब्रांडिंग है वो दे रखी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो रियर एक्सल है, जैसे मैंने आपको बताया, प्लानिटरी ड्राइव के साथ में ही आता है। बाकी ब्रेक इसके अंदर ओलिमस आपको मिलेंगे। और ये अगर मैं आप बात करूँ इसकी सेंसिंग की, तो सेंसिंग भी नो डाउट अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी सेंसिंग अपनी श्रेणी में। यहाँ पर आप देखोगे तो सेंसिंग के लिए आपको चार पॉइंट मिल जाते हैं, तो अपने हिसाब से आप ड्राफ्ट के हिसाब से अपनी टोपलिंग को ऊपर नीचे सेट कर सकते हो। डबल आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, प्रेशर इंप्लीमेंट जो भी आप चलाना चाहते हो, एम बी प्लाओ, रिवर्सेबल एम बी प्लाओ या प्रेशर डिस्क है तो वो इनके थ्रू चला सकते हो, अलग से आपको फिटिंग कराने की जरूरत नहीं है। ये टोपलिंग के लिए टोपलिंग कैरी होल्डर भी इसके अंदर ही मिल जाता है, प्लस इसके अंदर रिफ्लेक्टर आपको मिलेगा, बोतल होल्डर मिलेगा। और प्लेटफॉर्म जैसा मैंने आपको बताया था, बिल्कुल उसके ऊपर ये फ्लैट एक चादर लगाई गई है, एक्सल नीचे रह जाते हैं, पूरा ये कवर किया गया है ताकि सहूलियत रहे ड्राइवर को चलाने में भी, और जो पिलियन इसके मडगार्ड के ऊपर बैठे उसको भी। लुक और प्लेटफॉर्म भी अलग ही तरीके का डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको किसी भी ट्रैक्टर में नहीं मिलता। प्लस इसके अंदर ये आप चेक करो, हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक जो मैंने आपको बताया था, 1900 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको। और स्मार्ट हाइड्रोलिक का मतलब है लिफ्ट आपके ऊपर उठ गई, ट्रैक्टर आपने बंद कर दिया, लीवर आपने नीचे गिर दिया, जब तक नहीं जाएगी जब तक आप ट्रैक्टर को दोबारा स्टार्ट नहीं करते, ये है इसकी स्मार्ट हाइड्रोलिक। और हाइड्रोलिक की सेंसिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, सबसे जबरदस्त इसकी सेंसिंग मिल जाती है आपको 1800 किलोग्राम की। प्लस इसके अंदर ये चैन सिस्टम प्लस जैक सिस्टम है, जिससे कि आप अपनी लिंकेज को इधर उधर ना जाए उसके लिए एडजस्ट कर सकते हो। लिंकेज का साइज भी अपने आप में काफी हैवी ड्यूटी दे रखा है। बात करूंगा पीटीओ की, तो इसके अंदर आपको जो पीटीओ है वो डबल मिल जाती है, 540 प्लस रिवर्स प्लस 540 प्लस मल्टी स्पीड, जिसको कि 720 आरपीएम भी आप कह सकते हो। और पीटीओ एचपी की बात करूंगा, तो इसके अंदर आपको जो पीटीओ एचपी है वो 41.2 एचपी की पीटीओ पावर मिल रही है एक 42 एचपी के ट्रैक्टर के अंदर। तो ये भी एक इसके अंदर खास है जो इसको सबसे अलग बना देती है भाई। ये रूटावेटर इसके पीछे लगा हुआ है, मिट्टी आपने देख ली कितनी सारी है इसके पीछे, जो कि पिछली वीडियो में आपने इसका परफॉर्मेंस देखा था, नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना। आपको इसके ऊपर कंप्लीट परफॉर्मेंस दिखाया था, हर गियर के अंदर चला के दिखाया था किस गियर के अंदर कितनी चाल है और कैसा परफॉर्मेंस है दोनों लीवर डाउन करके, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। प्राइस आपको मैं बताऊंगा इसके। और ये इसके अंदर पंप भी आप देख लो, सेपरेट सेपरेट है, एक इसके अंदर पावर स्टेरिंग के लिए है और एक इसके अंदर हाइड्रोलिक के लिए है। प्लस इसके अंदर एक और खासियत है जो कि आपको जॉन डियर में मिलती है, कि इसके अंदर पिस्टन के ऊपर ऑयल जेट्स लगाए गए हैं, जिससे कि जो इंजन ऑयल है उसकी सप्लाई पिस्टन के ऊपर लगातार होती रहती है सर्कुलेशन में, जिससे कि पिस्टन जो है वो सूखे नहीं चलते, उनको लुब्रिकेशन जो है वो मिलता रहता है और लॉन्ग टाइम तक इसके इंजन के अंदर मेंटेनेंस नहीं होता। तो ये भी एक इसके अंदर खास चीज़ है जो इसको सबसे अलग बना देती है मार्केट में। और ये इसकी जो फिटमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था एक एक चीज़ इसकी इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, तो फिटमेंट देखो, ये पावर स्टेयरिंग के लिए जो पाइप हैं उनकी फिटमेंट आप देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से दे रखी है। ये हाइड्रोलिक्स के लिए पाइप आपको जाता हुआ दिखेगा और ये पावर स्टेयरिंग के लिए पाइप, एक भी पाइप आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अलग से लगा दिया या अलग से फिटमेंट उसको दे दी। बाकी एक बार मैं इसका चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लीवर जो है इसका टू व्हील और फोर व्हील का है, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया था अभी तक। और ये आप देखो इसका चार्ट, 265 ग्राम पर किलोवाट के हिसाब से है इसकी मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, पहले महीने 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। दोस्तों अगर मैं बात करूं पीटीओ की, जैसे मैंने आपको बताया था अराउंड 42 एचपी की पीटीओ पावर है, तो 30.73 किलोवाट की पीटीओ पावर आपको मिल रही है इसके अंदर, क्योंकि अराउंड 42 एचपी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाती है। और ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। बहुत भाई सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसके चार प्लांट आपके इंडिया के अंदर है, जहाँ से बनकर ये फॉरेन कंट्रीज में या विदेश में सप्लाई होता है। ये इसका प्लांट का जो एड्रेस है रानीपेट चेन्नई इंडिया, तो रानीपेट चेन्नई में इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो है दोस्तों। तो ये था भाइयों इस ट्रैक्टर का कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू, शायद इस तरीके का रिव्यू आप लोगों ने अब तक यूट्यूब के ऊपर ना देखा हो इसका। तो सारा कुछ बता दिया मैंने आपको, एक एक चीज़ इसकी बता दी, कौन कौन से फीचर आपको मिल जाते हैं। प्राइस की अब मैं बात कर लेता हूं, तो ट्रैक्टर की जो प्राइस है इसकी वो है 9 लाख के अंदर। ऑन रोड किसान भाई ने इसको खरीदा है पहले महीने, सॉरी दूसरे महीने में 2022 में, तो ये इसकी ऑन रोड प्राइस है। बाकी स्टेट वाइज आपको प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा, उसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी डीलर से जाकर संपर्क कर सकते हो कि आपके वहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो क्या है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आपको देखने को बिल्कुल मिल सकती है। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा,
इजाजत दूंगा आपसे और उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेहनत काफी लगती है क्योंकि भाइयों गर्मी बहुत है, पसीना पूरा जो भीग चुका हूं मैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार मेरी मेहनत के लिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ऐसी ही नई नई वीडियोस देखना चाहते हो। फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और वीडियो को चेकआउट कर लेना अगर आपने इसकी परफॉर्मेंस वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वीडियो है दोनों लीवर डाउन करके 8 फीट के रोटावेटर के ऊपर हर गियर के अंदर। मैंने आपको वहाँ पर दिखाया है इसका परफॉर्मेंस, मैंने खुद भी चला कर देखा है।